पढ़ने को भी मिल जाता है। पर हमारे देश में एक ऐसा खानदान हुआ है जिसके इतिहास और वर्तमान को समझना लोगों के लिए कभी भी आसान नहीं रहा, जिसे देखने में लगता है कि ये घराना बहुत ही धर्म निरपेक्ष है, पर ये लोग सत्ता के इतने भूखे हैं जिसके लिए ये गिरगिट की तरह अपना नाम और रंग बदलते हैं। आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नेहरू खानदान की, जिन्होंने सालों तक जनता को बेवकूफ बनाकर रखा। आज आपको दिखाते हैं नेहरू खानदान के इतिहास से जुड़ी बेहतरीन जानकारी जो शायद आपको ना पता हो। क्या आप जानते हैं कि नेहरू खानदान गयासुद्दीन गाजी की तरफ से निकला हुआ खानदान है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा पता चला है कि गंगाधर असल में एक सुन्नी मुसलमान थे। उनका असली नाम था गयासुद्दीन गाजी। अब आप सोच रहे होंगे ये गंगाधर कौन है? तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नेहरू खानदान के जन्मदाता की, जिनका नाम है गंगाधर नेहरू। लेकिन क्या उनका असली नाम है ये, आइए जानते हैं हमारे इस वीडियो में। नेहरू गांधी खानदान की शुरुआत होती है गंगाधर नेहरू यानी कि मोतीलाल नेहरू के पिता से। नेहरू उपनाम उन्हें बाद में मोतीलाल जी ने खुद लगाया। इसका शाब्दिक अर्थ था नहर वाले, नहीं तो उनका असली नाम होना चाहिए था मोतीलाल धर। लेकिन जैसा कि इस खानदान को नाम बदलने की आदत थी, उसी के मुताबिक इनका नाम बदला गया। रॉबर्ट हार्डी एंड्रयूज की किताब अ लैम्प फॉर इंडिया द स्टोरी ऑफ मदाम पंडित में उस तथा कथित गंगाधर का चित्र छपा है, जिसके अनुसार ये पंडित थे और इनका असली नाम था गयासुद्दीन गाजी। दरअसल नेहरू ने खुद की आत्मकथा में एक जगह लिखा कि उनके दादा यानी कि मोतीलाल के पिता गंगाधर थे। ठीक वैसे ही जवाहर की बहन कृष्णा हठी सिंह ने लिखा कि उनके दादाजी मुगल सल्तनत के नगर में कोतवाल थे। इतिहासकारों ने जब खोजा तो पाया कि बहादुर शाह जफर के समय में कोई भी हिंदू इतने महत्वपूर्ण ओहदे पर नहीं था, और खोजबीन पर पता चला कि उस वक्त दो नायाब कोतवाल हिंदू थे। उनका नाम था भाव सिंह और काशीनाथ, जो लाहौरी गेट दिल्ली में तैनात थे। लेकिन गंगाधर नाम का कोई व्यक्ति रिकॉर्ड में नहीं मिला, क्योंकि गंगाधर नाम बाद में अंग्रेजों के कहर के डर से उन्होंने बदला था। असली नाम था गयासुद्दीन गाजी। जब अंग्रेजों ने दिल्ली को लगभग जीत लिया था, तब मुगलों और मुसलमानों के दोबारा विद्रोह के डर से उन्होंने दिल्ली के सारे हिंदुओं और मुसलमानों को शहर से बाहर करके तंबू में ठहरा दिया। अंग्रेज वो गलती नहीं दोहराना चाहते थे जो हिंदू राजाओं ने मुसलमान आक्रांताओं को जीवित छोड़कर की, इसीलिए उन्होंने चुन चुनकर मुसलमानों को मारना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ मुसलमान दिल्ली से भाग कर आसपास के इलाकों में चले गए। उसी समय ये परिवार भी आगरा की तरफ चला गया। नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि आगरा जाते समय उनके दादा गंगाधर ने अंग्रेजों की रोक टोक पर जवाब दिया था, लेकिन तब उन्होंने कहा कि वो मुसलमान नहीं है बल्कि कश्मीरी पंडित है। अंग्रेजों ने उन्हें आगरा जाने दिया। बाकी इतिहास में सब है। ये धर उपनाम कश्मीरी पंडितों में आम तौर पर पाया जाता है। इसी का अपभ्रंश होते होते डर या दार हो गया, जो कश्मीर के अविभाजित हिस्से में आमतौर पर पाया जाता है। मोतीलाल ने नेहरू नाम चुना ताकि पूरी तरह से हिंदू लगे। इतने पीछे से शुरुआत करने का मकसद सिर्फ यही है, हमें पता चले कि खानदानी लोग क्या होते हैं। कहा जाता है कि आदमी और घोड़े को उसकी नस्ल से पहचाना जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को घोड़ा अपनी नस्लीय विशेषताओं के हिसाब से व्यवहार करता है। जी हाँ दोस्तों, संस्कार उसमें थोड़ा बदलाव लाते हैं, लेकिन मूल स्वभाव आसानी से नहीं बदलता। अपनी पुस्तक द नेहरू डायनेस्टी में लेखक के एन राव लिखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू के पुत्र थे। मोतीलाल के पिता का नाम था गंगाधर। ये तो हम जानते हैं कि जवाहरलाल की एक पुत्री थी इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू, कमला नेहरू उनकी माता, जिनकी मृत्यु स्विट्जरलैंड में टीबी से हो गई थी। कमला शुरू से ही इंदिरा संग फिरोज से विवाह के खिलाफ थी। आखिर क्यों हमें नहीं पता, लेकिन ये फिरोज गांधी कौन थे? फिरोज उस व्यापारी के बेटे थे जो आनंद भवन में घरेलू सामान और शराब पहुंचाने का काम करता। आनंद भवन का असली नाम था इशरत मंजिल। उसके मालिक थे मुबारक अली। मोतीलाल नेहरू पहले इन्हीं मुबारक अली के यहाँ काम करते थे। खैर, हम में से सभी जानते हैं कि राजीव गांधी के नाना का नाम था जवाहरलाल नेहरू। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के नाना के साथ ही दादा भी तो होते हैं। अधिकतर परिवारों में दादा और पिता का नाम महत्वपूर्ण होता है,
बजाय नाना या मामा के। तो फिर राजीव गांधी के दादाजी का नाम क्या था, आपको मालूम है? नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि राजीव गांधी के दादा थे नवाब खान, एक मुस्लिम व्यापारी जो आनंद भवन में सामान सप्लाई करता, जिसका मूल निवास था जूनागढ़, गुजरात। नवाब खान ने एक पारसी महिला से शादी की और उसे मुस्लिम बनाया। फिरोज इसी महिला की संतान थे। उनकी माँ का उपनाम था गांधी। गांधी नाम पारसियों में अक्सर पाया जाता है। विवाह से पहले फिरोज गांधी ना होकर फिरोज खान थे। कमला नेहरू के विरोध का असली कारण भी यही था। जी हाँ दोस्तों, राजीव गांधी पहले पारसी थे। ये मात्र एक भ्रम पैदा किया गया है। इंदिरा गांधी अकेलेपन और अवसाद का शिकार थी। शांति निकेतन में पढ़ते समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें अनुचित व्यवहार के लिए बाहर निकाल दिया था। अब आप खुद ही सोचिए, एक लड़की जो सिर्फ 15-16 साल की है, जिसके पिता राजनीति में पूरी तरह व्यस्त हैं और माँ मृत्यु शैया पर पड़ी है, थोड़ी सी सहानुभूति मात्र से क्यों ना पिघलेगी और दूसरी तरफ आकर्षित क्यों ना होगी। इसी बात का फायदा फिरोज खान ने उठाया और इंदिरा को बहला फुसलाकर उसका धर्म परिवर्तन करवाकर लंदन की एक मस्जिद में उससे शादी कर ली। नाम बदल दिया गया मैमूना बेगम। जब नेहरू को पता चला तो वो बहुत लाल पीले हुए, लेकिन अब क्या किया जा सकता था। जब ये खबर मोहनदास करमचंद गांधी को मिली तो उन्होंने नेहरू को बुलाकर समझाया। राजनीतिक छवि की खातिर फिरोज को मनाया गया कि वो अपना नाम गांधी रख ले। ये एक आसान काम था कि धर्म बदलने के बजाय सिर्फ नाम बदला जाए, तो फिरोज खान बन गए फिरोज गांधी। तो दोस्तों, सत्य का जप करने वाले और सत्य के साथ प्रयोग लिखने वाले गांधी ने इस बात का उल्लेख आज तक कभी नहीं किया और फिर भी वो महात्मा कहलाए। खैर, फिरोज और इंदिरा को भारत बुलाकर जनता के सामने दिखावे के लिए एक बार फिर से शादी कराई गई, ताकि उनके खानदान की ऊंची नाक का भ्रम बना रहे। इस बारे में नेहरू के सेक्रेटरी एम ओ मथाई अपनी पुस्तक रेमिनिसेंस ऑफ द नेहरू एज, जो भारत सरकार द्वारा बैन हो चुकी है, उसमें लिखते हैं कि पता नहीं क्यों नेहरू ने सन 1942 में एक इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन विवाह को वैदिक रीति रिवाजों के जरिए अनुमति दी, जबकि उस समय वो अवैधानिक था। कानूनी रूप से उसे सिविल मैरिज होना चाहिए था। ये तो एक तथ्य है कि राजीव गांधी के जन्म के कुछ समय बाद ही इंदिरा और फिरोज अलग हो गए, तलाक नहीं हुआ था। फिरोज गांधी अक्सर नेहरू परिवार को पैसे मांगते और परेशान करते, नेहरू की राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप भी करने लगे। तंग आकर नेहरू ने फिरोज का 3 मूर्ति भवन में आना जाना बंद करवा दिया। मथाई ने यह भी लिखा है कि फिरोज की मृत्यु से नेहरू और इंदिरा को बड़ी राहत मिली। 1960 में फिरोज गांधी की मृत्यु रहस्यमय हालात में हुई, जबकि वह दूसरी शादी रचाने की योजना बना चुके थे। कुछ सूत्र तो ये भी कहते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी का दूसरा बेटा यानी कि संजय गांधी फिरोज की संतान नहीं था। संजय गांधी एक मुस्लिम मोहम्मद यूनुस का बेटा था। संजय गांधी का असली नाम दरअसल संजीव गांधी था, अपने बड़े भाई राजीव गांधी से मिलता जुलता। लेकिन संजय नाम की नौबत इस तरह आई क्योंकि उसे लंदन पुलिस ने इंग्लैंड में कार चोरी के आरोप में पकड़ लिया था और पासपोर्ट जब्त कर लिया था। ब्रिटेन में तत्कालीन भारतीय उच्चायुक्त कृष्ण मेनन ने तब संजीव गांधी का नाम बदलकर नया पासपोर्ट संजय गांधी के नाम पे बनवाया। इन्हीं कृष्ण मेनन साहब को भ्रष्टाचार के मामले में नेहरू और इंदिरा ने बचाया था। तो दोस्तों, ये तो था नेहरू गांधी परिवार का इतिहास, लेकिन सिर्फ आधा। बाकी का आधा हम आपको दिखाएंगे अपने अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।